भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमारे प्रेरणा माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश की यशस्वी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के कृषि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, लोकप्रिय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नागेंद्रनाथ सिन्हा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण और प्रदेश और देश भर में इस कार्यक्रम को सुन रहे करोड़ों करोड़ बहनों और भाइयों, आज पूरे प्रदेश में आनंद का माहौल है, उत्सव का माहौल है। मध्य प्रदेश की जनता आज आनंद और प्रसन्नता के साथ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए 16,440 ग्राम पंचायतों में और 26,548 ग्रामों में यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अभी तक 1,24,92,394 प्री रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। हम समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश आज कितना प्रफुल्लित है और कितना प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के सपने को साकार किया है। किसी ने कहा है, फूल मेरा साख मेरी और सजर मेरा भी हो, मेरा हक है इस जमीन पर एक घर मेरा भी हो। और ये एक घर का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब के लिए साकार किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किस्त के रूप में 1,80,000 हितग्राहियों को 654 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आपके आशीर्वाद स्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 20,30,000 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 17,00,000 आवास बनाए जा चुके हैं। इस साल भी हम आधे लक्ष्य को, जो इस साल का था हमारा 6,00,000 का, उसको हम पूरा कर चुके हैं और आपके आशीर्वाद से युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं। यह पूरा लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश की 75वीं आजादी जब मनाई जाए तो हर गरीब को अपना पक्का मकान मिल जाए। आखिर गरीब की जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सस्ता अनाज देके, हम सब जानते हैं आज पूरे देश के गरीबों को नाम मात्र के मूल्य पर मध्य प्रदेश में 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से गरीब को दिया जाता है। और जो नाम छूट गए थे उन 37,00,000 गरीबों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर पात्रता पर्चियां वितरित करके हम राशन देना प्रारंभ कर रहे हैं। राशन के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है गरीब को, जो पैसे बचे उससे वो कपड़ा खरीद लेता है। मकान का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी साकार कर ही रहे हैं, लेकिन मकान भी कोई साधारण मकान नहीं। पहले इक्का दुक्का मकान किसी पंचायत में आते थे, साइज भी छोटा होता था, पैसा भी कम होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए, अब मकान के लिए 1,25,000, शौचालय के लिए 12,000, मनरेगा की मजदूरी अलग से, और इससे इतने सुंदर मकान बनाए। और केवल मकान नहीं, गरीब की जिंदगी के हर सपने को साकार किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मकान में बिजली, हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। शुद्ध पीने का पानी, जल जीवन मिशन उन्होंने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश पे भी उस पर हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं।
बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, चूल्हे पे नहीं गैस पे वो रोटी बनाती है, घर में किचन भी है तो शौचालय भी है, एक संपूर्ण इकाई जहां गरीब सुख से अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को अब इलाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति में बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था की है, और जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। हम मध्य प्रदेश में भी आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने पूरा रोड मैप बनाया है। मैं आज इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो कुछ आज हो रहा है मध्य प्रदेश में वो आपके बिना मुमकिन नहीं था, इसीलिए तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, करोड़ों करोड़ बहनों और भाई, उनसे यहीं से निवेदन करता हूं कि हमारी आशाओं के केंद्र, देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले और गरीब की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता का रंग भरने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो जहां है वहीं से दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत करे, अभिनंदन करे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपको पाकर हम धन्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम,